गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सजातीय और विजातीय पद। दोस्तों, जैसा कि आपने शाम को फीडबैक दिया था कि सुबह की क्लास नहीं, शाम की क्लास आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, तो हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए शाम को ही लाइव क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन सुबह आपको जो भी पहले शेड्यूल था वो वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि 5 बजे से जीरो लेवल में, 6 बजे से यानी कि सुबह 6 बजे डीएलएड और 7 बजे से यूपी टेट सीटेट के लिए लाइव क्लासेस या वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए आज देखते हैं सजातीय और विजातीय पद। इसको एक बार व्यवहारिक रूप से समझ लीजिएगा, फिर हम आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। और एक बात, कभी हम झूठी बात प्रॉमिस या फिर झूठा वादा भी नहीं करते हैं, एक बात याद रखिएगा। तो देखिए कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सजातीय और विजातीय, जैसे मान लीजिए कि एक हाल है, हाल मतलब जानते हैं बड़ा सा कमरा जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हों, और उसमें आपके यूपीटेट सीटेट, यानी कि सीटेट छोड़ दीजिए, यूपीटेट और डीएलएड के स्टूडेंट बैठे हैं। स्टूडेंट मतलब जान रहे हैं जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों होंगे, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, है ना, बात समझ में आई। तो मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा जो हमने बताया। देखिए सजातीय, सजातीय और विजातीय, हमने बताया कि ये बड़ा सा हाल है जिसमें यूपीटेट और डीएलएड के स्टूडेंट बैठे हैं, जिसमें दोनों परीक्षाओं के, यानी यूपीटेट और डीएलएड दोनों के लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं आपस में। अब क्या है, ये सभी यानी कि जो यूपीटेट, ध्यान दीजिएगा तो आप समझ जाएंगे, एकदम कंफर्म समझ जाएंगे, डीएल और ईडी मतलब कि यूपीटेट और डीएलएड वाले जो सब एक में मिलके बैठे हैं, क्या है, विजातीय है, सजातीय नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन है, यूपीटेट में इसमें कौन कौन है, भाई लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। और डीएलएड में भी कौन कौन है, लड़के और लड़कियां हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें सजातीय क्या होंगे, अगर आप कहें कि डीएलएड वालों को अलग कर दिया जाए तो डीएलएड वाले क्या हो गए, सजातीय हो गए, सजातीय हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डीएलएड वालों को अलग करिए, लेकिन डीएलएड वालों में कौन, ध्यान दीजिएगा, डीएलएड की जो लड़कियां हैं वो अलग, सजातीय हो गई, ठीक है। और डीएलएड में ही अगर आप अलग करें तो लड़के, ये सजातीय हुए, लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए। सजातीय का मतलब ये हुआ, एक सेम व्यवहार, सेम तरीका, सेम पसंद, और यानी कि हर चीजें एक समान हो। सिंपल सी बात, आप इसको व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं कि अगर लड़के और लड़कियों को एक में कर दिया जाए, कहने का मतलब अब लड़कियों का शौक है बैठकर चिल्लाने का, लड़कों का शौक है शांत रहने का, तो आप कहां से सजातीय हुआ, नहीं हुआ ना। मतलब समझिएगा हमारा कहने का, अब हम आपको एग्जांपल अगर दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे, इतने से बहुत कुछ समझ गए होंगे। सजातीय विजातीय कहने का मतलब वह पद जो चर अचर में भी समान हो और घाते भी समान हो वो सजातीय होते हैं। ये एग्जांपल से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे भाई, समझने के लिए इनका प्रयोग करिएगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना, जो हमने बताया आपको व्यवहारिक रूप से समझने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज आप समझ गए। अब अगर हम इसमें सजातीय की बात करें, ध्यान दीजिएगा जो हमने ऊपर लिखे हैं बहुत सारे पद, ये सजातीय और ये विजातीय, जैसे कि यहां पर है 3x, 3x देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे 3 है और x है, ये क्या है 3, ये अचर पद है, कांस्टेंट है, और ये क्या है चर पद है। सजातीय के लिए अचर का कोई वैल्यू नहीं है, अचर कुछ भी हो केवल चर पद से मतलब होता है, ठीक है ना। तो चर पद में हमने देखा x है, दूसरा देखिए ये भी क्या है 3x के बाद ये है 5x, देखिए 5 है इससे मतलब नहीं है,
हमें ये देखना है कि जो उसके साथ चर पद है वो सेम है ना, बिल्कुल सेम है, घात भी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर पांच यक्ष के साथ में कहा जाए कि नौ यक्ष स्क्वायर रख दें तो ये क्या हो गया, विजातीय हो गया, सजातीय नहीं हुआ। क्यों? देखिए इसमें चर तो एक समान है, दोनों यक्ष है, बट इसकी घात दो है, इसकी क्या है, घात कुछ नहीं है, तो एक मानते हैं मतलब घात एक है, इसलिए क्या है, विजातीय है। बात समझ में आए ना? अगर ये तीन यक्ष हो गया और ये दो वाई हो गया, ये भी विजातीय है। क्यों? क्योंकि इसमें यक्ष है चार, इसमें वाई है, ये विजातीय है। लेकिन अगर इसमें हमने लिखा तीन वाई और इसमें लिखा पांच नहीं आठ वाई, ये सजातीय है। क्यों? गिनती से कोई मतलब नहीं है, वाई वाई तो बराबर है ना, बराबर है ना। अगर हमने इसमें लिखा तीन यक्ष घात दो वाई और इसमें लिखा बारह वाई यक्ष घात दो, ये भी सजातीय है। क्यों क्यों सजातीय है भाई? देखिए यक्ष घात दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, समझ में आया? लेकिन अगर इधर मैं लिख दूं कि तीन यक्ष घात दो वाई घात दो और ये बारह यक्ष घात दो वाई घात दो, ये विजातीय है। क्यों क्यों विजातीय है? क्योंकि इधर x घात दो है, y घात दो नहीं है, मतलब एक है, ये सही है, ठीक है। देखिए दोनों में एक समानता है, क्यों? y घात एक है, इसमें भी एक है, x घात दो है, इसमें भी दो है, बट इसमें देखिए x की घात दो है, इसमें भी x घात दो है, इसमें y घात क्या है, दो है, ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, समान हो जा रहा है, इसमें मिटा देते हैं, अब देखिए सही हो गया, ठीक। इसमें y घात एक है, मतलब दो नहीं है, इसलिए क्या है, विजातीय है। समझ गए ना, सजातीय और विजातीय, मतलब घात भी बराबर हो और चर भी बराबर हो। चर अचर जानते हैं, ये ए से लेकर के ए टू जेड, इसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, चर बोलते हैं, जिन्हें इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेरिएबल, ठीक है। और एक से लेकर के हंड्रेड तक ये क्या होता है, अचर होता है, जिसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। समझ गए ना, ये था सजातीय और विजातीय का पूरा पूरा खेला। समझ में आई बात ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कुछ कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबरों पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है उससे तो आपको दिख ही रहा है, दूसरा नंबर इधर साइड में नोट कर ले, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं एनी टाइम, कहीं भी और कभी भी। तो चलिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं और आप लोग समझ जाएंगे सजातीय और विजातीय। देखिए चर और अचर दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब की बात समझिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सजातीय है, पहला ऑप्शन देखिएगा, तीन यक्ष घात दो, दो वाई घात दो और तीन यक्ष और वाई। बी वाला है, तीन यक्ष घात दो वाई घात दो और ये है बारह वाई यक्ष घात दो और दो यानी कि नौ, ये है तीसरा, अठारह यक्ष घात दो वाई और ये एक बटा दो यक्ष घात दो वाई और ये है सत्ताईस यक्ष घात दो वाई। और डी वाला है, एक सौ उनतीस यक्ष वाई और ये अठारह यक्ष जेड और ये है इक्कीस यक्ष वाई। इसमें कौन सा जातीय है, समझ गए होंगे आप लोग कौन सा जातीय है, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना समझ में आया हो, कौन सा जातीय है दूसरे में। तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा जाती है आप लोग जान गए होंगे। इसमें देखें यक्ष घात दो है ना, पहले तो ये देखना है, दो चीज देखना है, पहले देखना है चर और फिर देखना है घात। चर मतलब होता है भाई वेरिएबल, घात मतलब होता है पावर। सजातीय देखने में हमें दो चीज देखना होता है, पहले तो देखें चर सभी में बराबर है, वही चर होना चाहिए, अगर इसमें x है तो इसमें भी x हो, इसमें y है तो इसमें भी y हो, दोनों में बराबर होगा तभी। जैसे कहा जाए, एक एग्जांपल ले ले भाई, सिंपल सा, हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो एक गाय एक भैंस का, अगर उसके सींग है तो उसके भी सींग होनी चाहिए, उसकी सींग मुड़ी है तो उसकी भी मुड़ी होनी चाहिए, बात समझ गई ना।
बस वैसे सेम टू सेम। तो देखिए इसमें क्या है, एक्स है ना, इसमें एक्स है नहीं है, बस यही बात समझ में आ गई, ये सजातीय नहीं है, जहां थोड़ी सी कमी मिली वहीं पर छोड़ दीजिए बस। इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें वाई है, इसमें भी है, इसमें भी है, भाई कुछ गड़बड़ लग रहा है, सजातीय है क्या? ध्यान दीजिएगा, अब पद तो सब में बराबर है, चर तो सभी में है, बट अब घात पे आते हैं, अगर ये भी स्थिति में ये सक्सेस हुआ तो इसका मतलब सजातीय है, इसमें एक्स घात दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसका मतलब अभी भी ये सजातीय है, इसमें वाई घात दो है, इसमें वाई घात एक है, देखिए गड़बड़ हो गया, नहीं सजातीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब अगला में देखिए, यक्ष है, इसमें भी यक्ष है, इसमें भी यक्ष है, देखिए गिनती से कोई मतलब नहीं, जो आगे गिनती लगी है कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, मतलब कि सभी चर दोनों में बराबर है, हम घात पे आते हैं, यक्ष की घात दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, अभी भी चर है, इसमें वाई घात एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, भाई ये तो सब कुछ 100% सब बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, ये सजातीय है, मिल गया भाई, मिल गया मिल गया, ठीक। अब अगर मिल गया तो दूसरा छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, बात समझ में आई ना, ये था सजातीय और विजातीय पद, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और दोस्तों हमारी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड्स में, ऑल रिलेटिव में अवश्य शेयर करिएगा, चाहे कोई आपसे किसी भी प्रकार से संबंधित हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी सहेली हो, आपके भाई बहन यार दोस्त जो भी लोग हैं, सभी को इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी दिखाएं, और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचारों को अवश्य कमेंट करें, बात समझ में आई ना, तो कोई ना बच नहीं पाए, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, वाइफ हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, सबको शेयर करें इस वीडियो को, कोई भी ना बच नहीं पाए, ठीक है ना, तो शेयर करेंगे ना, अगर आप लोग शेयर करेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे और आपको आगे बताएंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार रघुवंशी, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और पीबीआर स्टडी के साथ जुड़े रहें इसी तरह से, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।